नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्रॉपर्टी होने वाली है 100 गज में और 90 भी अप्रूव्ड है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ये जो है अंसल सुल्तान सिटी सेकंड के अंदर लोकेटेड है। अंदर ही आपको टाउनशिप के अंदर ही 8 तो पार्क अवेलेबल है। बात करूँ अगर स्ट्रीट लाइट्स की तो स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। साथ ही यहाँ पर आपको कहीं बाहर की साइड में कोई आउटसाइड वायर्स वगैरह नहीं दिख रही होगी, तार वगैरह नहीं दिख रही होगी जो कि स्ट्रीट वायर्स होती है, क्योंकि यहाँ पर सारी ही जो फिटिंग करके दी गई है वो अंडरग्राउंड फिटिंग आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की मिलने वाली है। पानी की बात करूँ या फिर बात करूँ यहाँ पर सीवरेज की, तो सारी ही लाइनें यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई है। जैसे कि वहाँ बाहर की साइड में आप देख रहे होंगे कनेक्शन, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है आपको कनेक्शन करके दिए जाएंगे। दो विला यहाँ पर इस साइड में अवेलेबल है जो कि ईस्ट फेसिंग के हैं और ये सोल्ड आउट है, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जो। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट फेसिंग के बन रहे हैं इस साइड में अभी काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो ये वाले जो विला है ये अवेलेबल है 100 गज में एज इट इज़ बने हैं। उधर की साइड में थोड़ा सा फ्रंट एलिवेशन में यहाँ पर आपको जो है चेंजेस करके दिया गया है। फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर देख लीजिए, इसका कितना खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। 15.5 का फ्रंट है और यहाँ पर जो है आपको 58 की डेप्थ मिल जाती है। 100 वर्ग गज में बना हुआ है, प्यारा सा है, फुली डुप्लेक्स है। यहाँ पर दो रूम्स नीचे की साइड में अवेलेबल है, साथ ही दो रूम्स ऊपर की साइड में अवेलेबल है। एक किचन नीचे भी है, एक किचन ऊपर की साइड में दी गई है। पॉर्च की अगर मैं बात करूँ तो पॉर्च का स्पेस इतना बढ़िया है कि आपकी जो है दो कार आप आराम से पार्क कर सकते हैं, उसके बाद में भी आपका स्पेस अच्छा खासा बच जाएगा। और सामने की तरफ यहाँ पर देखेंगे ये लोबी का स्पेस आता है, साथ ही सामने की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है वाटर टैंक प्रोविजन। और स्टेयर्स जो है वो आपको बाहर से दी गई है, मेन एंट्रेंस यहाँ से इस रूम का भी आप कर सकते हैं। चाहे तो इस रूम को आप लिविंग एरिया की तरह यूज में ले सकते हैं या फिर चाहे तो रूम की तरह भी यूज ले सकते हैं। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इस प्यारे से खूबसूरत से फुली डुप्लेक्स के अंदर। लेकिन वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने रिश्तेदारों की मदद कीजिए। हो सकता है वो काफ़ी समय से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही हो, मार्केट में ब्रोकर्स के पास जा जाके थक चुके हो, तो आप उनको हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको घर बैठे आइडिया हो सके कि मार्केट में किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो रही है। क्योंकि पूरे दिन मार्केट में घूमने के बाद आप 2 से 3 प्रॉपर्टी ही सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर AR Homes की आप घर बैठे घर देख रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 तरीके की प्रॉपर्टी आप इजिली देख सकते हैं। उसके बाद में भी आपको काफ़ी टाइम मिलने वाला है, फिर उसके बाद में आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी का बारे में पूरा समझ में आ सके। और आपको अगर प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो उसके बाद आप फाइनलाइज करने के लिए जो है इस प्रॉपर्टी में आए तो आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं होगा। प्राइसेस में आपको डिफरेंट मिलेगा, वो भी यहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि यहां पर बिल्डर के थ्रू आपको डायरेक्टली जो है मकान दिखाएं और ब्रोकरेज जो है आपकी वहां पर बचे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉल के एरिया की, क्या कुछ यहाँ पर हॉल का एरिया आपको अवेलेबल होने वाला है। हॉल का साइज जो यहाँ पर आपको मिलेगा, स्पेस स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर हॉल का मिल जाता है। इस साइड में अलग से एक स्पेस आपको मिल रहा है, जिसका अगर मैं साइज की बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिल जाती है यहाँ पर जो है इसकी किचन, उस साइड में आपको दिया गया एक रूम और एक मिल जाता है आपको फ्रंट साइड में रूम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। इस एरिया की अगर बात करूँ जहाँ पर अभी ये सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप चाहें तो अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं या फिर अपना डाइनिंग एरिया को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको मिल जाता है इसका फुल सीलिंग डिजाइन, जो कि ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे। और बात की जाए अगर इस तरफ की, तो यहां पर भी आपको जो है इस साइड में भी आपको फुल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। दो फैंस आप जो है सीलिंग पे यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि हॉल का साइज जो है एल शेप में आपको दिया गया है, तो आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया दोनों ही इधर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने गेस्ट को पहले फ्रंट रूम की तरफ, यानी कि डायरेक्टली वो आपके हॉल के अंदर ना आए, आपके कमरे के अंदर ना आए, तो आप उसको फ्रंट रूम की तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इसका किचन, जो कि यहां पर आपको इसका मॉड्यूलर किचन मिल रहा है 6x8 का साइज यहां पर किचन का मिल जाता है। एल शेप में बना करके दिया गया है, ऊपर की साइड में मिल जाता है आपको प्रॉपर ड्रॉर्स। सामने की साइड में बात करूं बड़ी सी विंडोज, जहां से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। नीचे की साइड में भी आपको प्रॉपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं, इस साइड में आपको मिल जाता है सिंक का एरिया। बात की जाए अगर मकान की फेसिंग की, तो मकान का जो फेसिंग है ईस्ट फेसिंग का मकान है और वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। यहां पर आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम, जो कि इस साइड में आपको प्रोवाइड कराया गया है। अभी काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं आपको ऊपर चल करके दिखाऊंगा, एज इट इज ऐसा का ऐसा ऊपर की तरफ बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग आ गए हैं इसके जो है फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि 9x14 के साइज में आपको फर्स्ट बेडरूम यहां पर अवेलेबल हो रहा है। सामने की तरफ मैं बात करूं, वहां पर आपको मिल जाता है इसका टेक्सचर डिजाइन, ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है यहां पर फुल सीलिंग डिजाइन, साथ ही सीलिंग फैन का ऑप्शन। सामने की तरफ आपको मिल जाती है यहां पर जो है एसी का सेपरेट पॉइंट। अभी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका सामान थोड़ा बहुत यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो रुक जाते हैं जिससे कि सुबह काम जल्दी हो सके। यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे, यहाँ पर बड़ी सी विंडो है, यहाँ पर बड़ी सी वार्डरोब है, जहाँ पर आपका जो भी सामान वगैरह हो इजिली रख सकते हैं। ये आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, जो कि इस साइड में आपको दिया गया है। बात करूँ बैकयार्ड के एरिया की, तो 5x5 का साइज है। पीछे की साइड देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर
जो है आयरन का गेज लगा करके दिया गया है, जो है एज अ सेफ्टी पर्पज भी ठीक रहता है और जो है बर्ड्स वगैरह भी अंदर के साइड में नहीं आते हैं। मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके सेकंड बेडरूम की ओर, जो कि यहाँ पर इसके फ्रंट साइड में आपको अवेलेबल हो रहा है। और साइजेस की मैं बात करूंगा, साइज यहाँ पर आपको बताऊंगा, साइज होने वाला है 8x12 का साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है। देखिए अभी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या होता है बनते बनते ही बिक जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बिके हुए, लेकिन वेस्ट फेसिंग में आपको मिल जाएंगे, जो कि सामने की तरफ मैंने आपको दिखाए थे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे सेम एज इट इज बने हुए। बस फ्रंट एलिवेशन इससे भी खूबसूरत है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फुल सीलिंग डिजाइन है, सामने की साइड विंडो का प्रोविजन मिल जाता है, एक वॉल पे आपको दिया गया है टेक्सचर जो कि प्यारा सा है। 8x12 का रूम साइज यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पर बाहर से स्टेयर्स दी गई है जो कि इसको आपके फर्स्ट फ्लोर पर साथ ही इसके रूफ पर लेकर के जाती है। तो मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर। एक अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं तो जेके एस आर्किटेक्ट आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर मैं रेलिंग की बात करूँ तो रेलिंग जो है यहाँ पर आपको ऐसे इसके लगा करके दी गई है। ये रास्ता आपको इसके रूफ पर ले जाता है, इसकी छत पर लेकर जाता है और यहीं से हम लोग आगे हैं इसके हॉल के अंदर। हॉल के मैं साइज़ की बात करूँ 9x14 का ये साइज़ आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ से दिखाया गया है 9x14 का। और इस साइज़ की अगर मैं बात करूँ, ये जो साइज़ है इस साइज़ की मैं अगर बात करूँ, इस साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 9x8 का साइज़ मिल जाता है। वॉश बेसिन यहाँ पर लगा करके दिया जाएगा। पीछे की साइड में आ जाता है यहाँ पर इसका ये किचन, एल शेप में बना करके दिया गया है। ऊपर की साइड में आपको मिल जाती है प्रॉपर वार्डरोब, नीचे की साइड में भी कैबिनेट्स हैं, सामने की साइड में आपको मिल जाती है यहाँ पर भी विंडो का प्रोविजन। 6x6 का साइज यहाँ पर किचन का है। ऊपर की तरफ देखेंगे वहां पर जो है फुल सीलिंग डिजाइन आपको दिया गया है। यहाँ पर आया था ऐसा कॉमन बाथरूम, एज इट इज साइज के साथ में आपको नीचे की साइड में जो है एक बाथरूम प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर इंडियन शीट है, यहाँ पर आपका जो है शावर एरिया आ जाएगा, वहां से वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। थर्ड बेडरूम के अंदर और जा रहे हैं हम लोग। 9x14 का साइज है, एसी का सेपरेट पॉइंट मिल जाता है। सामने की साइड में इस तरफ आपको मिल जाता है टेक्सचर डिजाइन, जस्ट ऊपर देखिए वहां पर आपको मिल जाता है फुल सीलिंग डिजाइन, और एक वॉल पे आपको मिल रहा है यहाँ पर जो है इस तरफ वार्डरोब। तो यहाँ पर दूसरे रूम के साथ में वार्डरोब अवेलेबल है, यानी कि दो रूम्स में आपको वार्डरोब मिल रही है। अभी देखिए यहाँ पर आपको बड़ा सा ये इसका ओटीएस का स्पेस, यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप चाहे वॉशिंग एरिया की तरह, स्टोर रूम की तरह किसी भी प्रकार से इसे यूज ले सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रॉपर सनलाइट आपका आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिन के समय आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं जलाएंगे तो बिजली का बिल कम आएगा, और बिजली का बिल कम आएगा तो पैसा बचेगा। तो पैसा बचाना किसे बुरा लगता है? क्या आपको पैसा बचाना अच्छा लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हम लोग आ गए हैं इसके रूम की तरफ। रूम के साइज की बात करूँ 8x12 का साइज, सामने की साइड में आपको टेक्सचर डिजाइन, ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहां पर आपको मिल जाता है इसका जो है सीलिंग डिजाइन, साथ ही सीलिंग फैन का ऑप्शन, साथ में सामने की तरफ बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। ये आ गए हम लोग उसके 3 फीट की बालकनी की ओर, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है एस एस का यूज करके। यहाँ पर जो है ये आपको लगा करके दिया गया है, यहाँ पर बीच में मिल जाता है टफन ग्लास, और सामने की तरफ देखेंगे पूरा ही सराउंडिंग एरिया और रॉयल जो है सुशांत सिटी सेकंड के अंदर ये लोकेटेड है। अंदर के साइड में मैं आपको बताया कि 8 पार्क्स अवेलेबल है, स्कूल अवेलेबल है, सभी प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पर इस टाउनशिप के अंदर ही मिल जाती है। पानी सीवरेज से संबंधित कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। प्राइस जो है मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके देख पाएंगे कि प्राइस क्या कुछ होने वाला है। साथ ही उस प्राइस के साथ में आपको ऑफर दिया जाएगा आरओ गीजर और चिमनी, जो कि बिल्डर की तरफ से आपको दिया जाने वाला है। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। एआर होम्स को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एआर होम सिर्फ घर बैठे घर ही नहीं, घर बैठे नक्शे भी प्रोवाइड कराता है। तो हमारे नए चैनल एआर डिजाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां पर जो है बहुत ही जल्द आपको हर घर के नक्शे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।